दोस्तों मैं अभी हूँ दी मोनार्क होटल ऊटी में, और ये होटल आता है द मिथुन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो इस होटल का जो ओनर है वो मिथुन दा है, मिथुन चक्रवर्ती हैं। तो उनका यहाँ पे दो होटल्स हैं, नीलगिरी में दो होटल्स हैं ऊटी के पास। तो एक ये हो गया दी मोनार्क होटल, और दूसरा है द मोनार्क सफारी पार्क, वो है मसीनागुड़ी में, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप ऊटी की तरफ आते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही कूल है, तो कभी भी धूप निकल जाता है, कभी भी बारिश हो जाता है। आप भैया कितना दिन से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गया? हाँ। तो मिथुन चक्रवर्ती को मिले हैं आप? वही लेके आए। वही लेके आए? आप कहाँ से हैं? मैं कलकत्ता से। ओ, कलकत्ता से हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? नोची। नोची, ये है नोची, ये नाम ही उन्होंने दिया है। अच्छा, हम लोगों का होटल का 25 इयर्स जब हुआ सेलिब्रेशन तब का है। ये देखिए बाहर का वेदर। ये मौसम देख के लग रहा है कि ये अप्रैल नहीं है, दिसंबर जनवरी है। यहाँ का लोकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वेदर तो ऊटी का प्लेजेंट है ही। अभी यहाँ मैं बाहर हूँ, ये लॉन एरिया है, और यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। अभी ऊटी आने से पहले ही मैंने टेम्परेचर चेक किया था, और उसी के हिसाब से मैंने जैकेट भी रख लिया था। तो आज है नेक्स्ट डे, अभी बज रहा है सुबह का 10। कल से बारिश हो रहा था, अभी जाके बारिश थोड़ा कम हुआ है, फिर भी बादल लगा हुआ है। अब इतना यहाँ पे ठंडा रहता है कि इस होटल रूम में एसी छोड़िए फैन भी नहीं है, तो है क्या, एक हीटर रखा हुआ है। इस होटल में अगर आप रुकते हैं तो आपको लगेगा कि आप नेचर के बीच में हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगा। छोटा पहाड़ है, छोटा सा हिलॉक है, और उस हिल पे भी देखिए जंगल है, चारों तरफ चिड़िया आवाज़ कर रहे हैं, और यहाँ से आपको एक अच्छा सा वैली व्यू मिल जाता है, ये देखिए। और नीलगिरीज में एक ही होटल में हेलीपैड है, वो है यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है रॉयल स्वीट, ये एक्चुअली 2 BHK है, यहाँ से पूरा दूर तक वहाँ तक। तो जब भी मिथुन दा आते हैं तो इसी में रुकते हैं। दिस रूम, या दिस रूम फर्स्ट फ्लोर चिल्ड्रंस, दिस फ्लोर नीचे, दिस फ्लोर सो मिथुन चक्रवर्ती, व्हेनेवर ही कम्स ही स्टेज हियर। यस सर। और ये है बालकनी, बड़ा सा बालकनी। और ये है यहाँ से व्यू देखिए। तो जब भी मिथुन सर आते हैं तो देखिए यहीं पे ठहरते हैं, इसी रूम में। एक्चुअली ये VIP रूम है। Yes, sir.
2.5 years. Yes, working. Oh, from beginning you are working. Yes, sir. Oh, great. How many times he comes in a year? Dada, right, sir. Yeah. Only July. Oh, in July he comes. July comes. And he stays here. Yes, sir. For how many days? Only 3 days, sir. 3 days he comes, yeah, and only he stays. 3 days. He stays. The rain is not coming. Okay, so he comes with a family? All family is coming, sir. He comes in a helicopter or by car? No, first is the helicopter, it is no, only car. Only car, yes, okay. Sir. So, what about the helipad? Helipad is Dada urgent. Oh, whenever he comes urgently, then yeah, he comes in a helicopter. Okay, great. Yeah. Or else he comes Coimbatore by flight. Yes, sir. And then from there, yes, by sir. Car. By car, sir. Okay. Okay, thanks, sir. Yeah. Thanks. होटल का अंदर का तो व्यू दोस्तों आपने देख ही लिया। अभी मैं जा रहा हूँ होटल के आजू बाजू का जो नज़ारा है वो देखने। काफ़ी अच्छा है सीन सीनरी। टी गार्डन है जस्ट बगल में ही, तो अभी मैं जा रहा हूँ टी गार्डन में। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे टी गार्डन में जस्ट एक वॉक करने के लिए और कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए। तो ये जो फोटोज़ है आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, अगर आप नहीं फॉलो करते हैं वहाँ आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं तो काफ़ी दूर तक चला गया था वहाँ तक। आप वॉकिंग करने में बहुत अच्छा लग रहा था और मौसम भी ठंडा है, तो मैंने सोचा कि पहले पास तक ही जाते हैं। तो इतना अच्छा लगा कि मैं दूर तक चला गया, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, नीचे देख के चलना पड़ता है। दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ आ गया था और इस टी गार्डन में मैंने काफ़ी सारा वक्त बिताया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ होटल के रूम में, उसके बाद मैं चेकआउट करूँगा। जा रहा हूँ मैं, फ्रेश हो जाऊँगा, फ्रेश होके मैं चेकआउट करूँगा। चेकआउट करने के बाद मैं जा रहा हूँ एक दूसरा लोकेशन पे। तो जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कैप्सूल होटल का, जो कि ऊटी में ही है। तो मैं वहीं पर अभी जा रहा हूँ, 2 बजे चेक इन करना है वहाँ पर। तो होप ये मोनार्क होटल का जो वीडियो था, व्लॉग था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, मतलब मिलते हैं कैप्सूल होटल वाला व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।